नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। खाने की कंगाली के बाद अब पाकिस्तान में पानी का अकाल पड़ गया है। पीने के पानी के लिए लोग बुरी तरह तड़प रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हो गए हैं, जिससे बीमारी भी तेजी से पैर पसार रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। ये इमरान खान का नया पाकिस्तान है, जो दाने दाने को मोहताज हो रहा है, पीने के पानी के लिए तड़प रहा है, फिर भी इमरान खान मस्त है और आवाम त्रस्त है। हैरानी की बात तो ये है कि पाकिस्तान के कई शहर पिछले कई दिनों से पानी को मोहताज हो रहे हैं। कई शहरों में रहने वाले लोगों को जरूरत के हिसाब से भी पानी नहीं मिल पा रहा। सरकार ने नेशनल असेंबली में इसको लेकर जो आंकड़े पेश किए हैं, वो भी इसी की गवाही दे रहे हैं। पाकिस्तान के विज्ञान और तकनीकी मंत्री शिबली फराज ने सरकार की तरफ से सदन में ये आंकड़े पेश किए हैं। सरकार की तरफ से ये आंकड़े विपक्ष के उन सवालों के जवाब में पेश किए गए हैं, जिसमें सरकार पर कई शहरों को पानी की उचित मात्रा मुहैया न करवाने का आरोप लगाया गया। पानी की कमी को देखते हुए वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दी है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो सूखे की भी स्थिति देश में आ सकती है। विपक्ष के सवाल के जवाब में सरकार ने जो रिपोर्ट सदन में रखी है, उसके मुताबिक 29 शहरों के ग्राउंड वाटर की PCRWR ने जांच की है। इस जांच की रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है। इसमें कहा गया है कि जांच के दौरान 29 में से 20 शहरों में विभिन्न स्रोतों के लिए गए करीब 50% पानी के नमूनों को इस्तेमाल के काबिल नहीं पाया गया है। PRCWR ने अपने रिपोर्ट में कहा कि देश के 3 शहर, जिसमें सिंध और गिलगित के मीरपुर खास शहीद बेनजीर भाई शामिल है, इन शहरों में 100% पानी पीने के लिए असुरक्षित है। इसके अलावा सियालकोट के करीब 9 स्रोतों के लिए गए पानी के नमूने पीने के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित पाए गए हैं। लेकिन जिस तेजी से पाकिस्तान में पानी की किल्लत और पीने का पानी असुरक्षित होता जा रहा है, उससे लोगों के साथ साथ सरकार की भी मुसीबत बढ़ गई है। पाकिस्तान में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। बिजली महंगाई के बाद यहां पानी की जबरदस्त किल्लत हो रही है। कई शहरों से लिए गए पानी के नमूने पीने लायक नहीं पाए गए हैं। इसे देखते हुए विशेषज्ञों ने पाकिस्तान में अकाल की चेतावनी दी है, तो वहीं इमरान सरकार लोगों की मदद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, जिससे उसको चारों तरफ विरोध झेलना पड़ रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।